नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ के हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं नंदिनी पाठक। दर्शकों, जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में चर्चा करते हैं तमाम विषयों पर, तो आज का हमारा जो विषय है, आज हम चर्चा करेंगे आत्महत्या के ऊपर और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लोगों में सामने आ रहे हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे इस एपिसोड में। और इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज डॉक्टर विशाल सिन्हा, जो कि मनोचिकित्सक हैं और HOD है साइकियाट्री डिपार्टमेंट में SN कॉलेज में। तो सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज जो हमारा विषय है थोड़ा हटके है, लोगों की जो संकीर्ण होती सोच है और उसकी वजह से जो असामाजिक घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो लड़कियों को लेकर हो या और व्यक्तियों को लेकर हो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लोगों की मनोस्थिति जो है क्यों बदलती जा रही है, इतनी संकीर्ण सोच क्यों हो रही है, इस बारे में डॉक्टर के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा शुरू करने से पहले हम डॉक्टर जानना चाहेंगे कि ये जो सोच है आत्महत्या की हो या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हो, आत्महत्या को ही ले लेते हैं, आत्महत्या के जो कारण हैं वो क्या हैं, क्यों लगातार ये केस बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, आत्महत्या अपने आप में जो एक शब्द है वो आत्म और हत्या, कि अपने आप का की हत्या करना या अपने मृत्यु का चुनाव करना जी। तो ये जो एक है कि जब चाहे वो मानसिक रोग की वजह से हो या पारिवारिक स्थिति की वजह से हो या सामाजिक स्थिति की वजह से हो, जो व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है और उसका जो सारा आक्रोश है वो अपने खुद के अंदर ही समेट कर रखता है और वो अपने अंदर सेल्फ डायरेक्टेड होने लगता है, तो उसको मृत्यु ही एक ऐसा ध्येय दिखता है कि जिसको अपनाने से उसके सारे कष्ट जो है खत्म हो सकते हैं। इसीलिए जो सेल्फ डायरेक्टेड एग्रेशन है उसकी वजह से वो आत्महत्या का चुनाव करता है जी। तो अगर हम ये परेशानियों की बात करें तो एक तनाव की स्थिति जो होती है वो कहीं ना कहीं से शुरुआत उसकी होती है, लेकिन अगर इसके हम लक्षणों की बात करें तो परिवार के लोग या आसपास के लोग उस मरीज को या उस पेशेंट को ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको क्या दिक्कत है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो लोगों को क्या लक्षण अगर दिखाई दें तो सतर्क हो जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को आगे चल के ये परेशानी हो सकती है, ये ऐसा आत्मघाती कदम उठा सकता है? देखिए, आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में, अपने रोज़मर्रा के शेड्यूल में, कहीं ना कहीं उसके जो व्यवहार है उसमें जो बदलाव उत्पन्न होता है वो कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश करता है, जिसको कि हम कहते हैं क्राई फॉर हेल्प, कि वो मदद के लिए पुकारता है। लेकिन चूंकि समाज में, लोगों में इसके लिए जानकारी का अभाव है, इसलिए हम समय रहते उसे पहचान नहीं पाते हैं और उसे नज़रअंदाज करते हैं। इस वजह से व्यक्ति आत्महत्या की ओर और तेज़ी से अग्रसर होता है। जो लोग आत्महत्या के लिए मन में विचार आता है, सबसे प्रमुख कारण जो है वो उसमें है साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, ये मानसिक विकार, जैसे कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं या जिनमें बाइपोलर डिसऑर्डर्स या स्किजोफेनिया हो गया या एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, ये वो मानसिक रोग हैं जिनमें प्रमुख है आत्महत्या जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में देखी जाती है। बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन चलता है तो व्यक्ति को अंदर हीन भावना और उसके अंदर ग्लानी भरने लगती है और उसको भविष्य जो है बिल्कुल धूमिल नज़र आता है और वो आत्महत्या की ओर अग्रसर होने लगता है। दूसरा जो कारण है जो भारतीय परिवेश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, युवाओं में अक्सर देखने को मिलता है, वो है आंतरिक कलह, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे वो उसको नौकरी पेशा से संबंधित हो। जब कलह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति जो है आक्रोशित महसूस करता है और जब आक्रोश को एक्सप्रेस करने का कोई जरिया उसे नज़र नहीं आता तो वो आक्रोश जो है सेल्फ डायरेक्टेड होने लगता है और उस आवेश में आकर वो अपना आत्महत्या करने लगता है। तीसरा जो कारण है वो जो देखने को मिलता है कि जैसे कि जब समाज विघटित होने लगता है या व्यक्ति को ये लगने लगता है कि समाज उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है और जो है समाज में उसका कोई स्थान नहीं है, जो अक्सर जैसे हमने देखा कि किसानों के केस में देखने को मिलता है, जब उन्हें लगता है कि समाज, उनकी जो फसल नष्ट हो गई है, समाज में उनको, उनके लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं है और उनकी जीविका का कोई साधन नहीं रहा, तो समाज में उनको लगता है कि समाज हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है और वो उससे कटने लगते हैं और फिर उनके मन में आत्महत्या का विचार आता है। चौथी कैटेगरी जो होती है वो लोगों की होती है जो लोग दूसरों के भले के लिए अब स्वयं जो है मरना पसंद करते हैं, जैसे कि आर्मी पीपल जो होते हैं, जो पुलिस में जो लोग होते हैं या हमारी जो सेना है उसमें जो लोग होते हैं, दूसरे लोगों को बचाने के लिए, उनके अंदर एक भला काम करने के लिए वो अपने जीवन को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते, वो भी एक प्रकार की आत्महत्या ही कहलाई जाती है।
तो ये चार प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आत्महत्याओं का जो परसेंटेज है वो पिछले कई वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत की अगर हम बात करें तो अनुमान ये मान के चलिए कि पूरे विश्व में जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं तो उसमें महिलाएं जो एक तिहाई आत्महत्या भारत की महिलाएं का नंबर है और एक चौथाई पुरुष जो है पूरे विश्व में जितनी आत्महत्या उसमें एक चौथाई नंबर जो है वो भारत के पुरुषों का है और प्रति प्रति 40 सेकंड या 30 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है और इससे लगभग लगभग 20 गुना लोग जो है आत्महत्या का प्रयास करते हैं और कुछ विफल हो जाते हैं कुछ उसमें सफल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और सुसाइड या आत्महत्या जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कहना चाहेंगे जिसको कि बहुत हद तक रोका जा सकता है। ज़रूरत है समय रहते लक्षणों को पहचानने की और उनको आइडेंटिफाई करने की ताकि हम उनको समय रहते इस आत्मघाती प्रयास से रोका जा सके। जी, तो आपने युवाओं की बात की और जो आंकड़े हैं भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो भयावह आंकड़े हम कह सकते हैं इनको, हर 40 सेकंड में अगर एक व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो ये बहुत ही बड़े आंकड़े हैं। अगर हम बात करें युवाओं की, लगातार जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, स्ट्रेस है, तनाव लेते हैं लोग, पहले आत्महत्या के केस काफ़ी 30 या 35 प्लस एज में देखे जाते थे जो कि अब कम होते होते बच्चों तक सीमित हो गए हैं। अगर हम युवाओं की बात करें या बच्चों की बात करें, ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट करने की जो काम है या जो कि कोशिशें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे केस भी लगातार सामने आ रहे हैं, युवाओं में आत्महत्या करने के जो कारण हैं वो क्या हैं और इनके बढ़ने के भी कारणों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, जो जो भारत का जो ट्रेंड है, विदेशों में जो है बढ़ती उम्र के लोगों में आत्महत्या की जो संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें युवाओं 15 साल से लेकर 25 साल तक के युवाओं में मैक्सिमम आत्महत्या के आंकड़े देखने को आ रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जितनी तेज़ी से हम लोग ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एकांकी परिवार होते चले जा रहे हैं और लोगों को अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की फ्रीडम और उसका समय नहीं है। इसीलिए जैसे मैंने कहा ना कि एग्रेशन, यदि फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन अंदर जनरेट होता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास साधन नहीं है क्योंकि इस परिवार के बाकी सदस्यों के पास उतना समय नहीं है, सब लोग अपनी भाग दौड़ बड़ी जीवन में लगे पड़े हुए हैं। तो इसी वजह से वो जो एग्रेशन है वो सेल्फ डायरेक्टेड अंदर की तरफ, अपने खुद की तरफ जो है डायरेक्टेड होने लगता है और रिजल्ट उसका आत्महत्या होता है। दूसरा कारण है लेवल ऑफ स्ट्रेस, जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं वो स्ट्रेस को जनरेट करती हैं। हमारी जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं यदि वो सफल नहीं हो पाती हैं, हम इतनी भागदौड़ करने के बावजूद यदि हम जो परिणाम हमने अपने लिए सोच रखे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे हम अपने प्रोफेशन में जो अचीव करना चाहते हैं या परिवार में या समाज में जो अचीव करना चाहते हैं, यदि हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर जो है एक हीन भावना डेवलप होने लगती है, हम अपने आप को नाकारा महसूस करने लगते हैं और हम जो है सुसाइड की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तीसरा प्रमुख कारण है हाइटेंड एग्रेशन, जो आज की जो युवा पीढ़ी है उसका एग्रेशन जो है, उसका एग्रेशन लेवल जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे कारण हैं, समाज में एग्रेशन का एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो इंटरनेट गेम्स हों, चाहे वो मूवीज़ के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के अन्य माध्यम से हो, तो लेवल ऑफ जो एग्रेशन का एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टॉलरेंस लेवल्स जो हैं वो बहुत कम होती चली जा रही हैं। हम लोग जो पहले सिखाया जाता था घर में कि चलो जाने दीजिए कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा सहनशील होना है, वो सहनशीलता कम होती चली जा रही है और हम उस एग्रेशन में आकर आत्महत्या का जैसे घातक परिणाम, जरा सी घर में कोई कलेश हुई या किसी ने हमारी कोई डिमांड, माँ बाप ने या भाई बहन से कोई मनमुटाव हुआ या हमारी कोई छोटी सी डिमांड नहीं पूरी गई, तो हम इतना एग्रेशन में चले जाते हैं, इतना आक्रोश महसूस करने लगते हैं और हम जो है आत्महत्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। जी, आपने परिवार की बात की, परिवार के एकाकीकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, भारत में भी इसकी संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। अगर हम फैमिली के न्यूक्लियर होने की बात करें तो ये कितना प्रभाव डालती है एक बच्चे के विकास पर या उसकी परवरिश पर? देखिए, एकांकी परिवार के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि परिवार एक छोटी यूनिट बनकर रह गया है, जो सदस्य हैं वो गिने चुने हैं और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो जो जितनी कमाई है वो सिर्फ 2 या 4 सदस्यों के लिए बहुत अच्छी मात्रा में उनका लालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनको बेटर एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, घूमने फिरने और बाकी शौकों को पूरा करने में
खर्च कर सकते हैं, ये उसका फायदा हो गया। लेकिन एकांकी परिवार के संग सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि छोटी यूनिट है, लोगों जो लोग हैं दोनों लोग, पति पत्नी दोनों लोग अपने ऑक्यूपेशन में, अपने व्यवसाय में जो है व्यस्त रहते हैं, और इसीलिए परिवार को और बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। और इसी कमी को दूर करने के लिए वो वीकेंड्स पर ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि बच्चे की जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएं। तो बच्चे ने जो भी डिमांड किया वो तुरंत की तुरंत या बिना मांगे भी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो पूरी हो जाती हैं, और माँ बाप अक्सर ना कहने से बचना चाहते हैं। ना कहना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो, बच्चे के अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो कि कुछ चीज़ों को लिए हमें वेट करना पड़ सकता है और जीवन में हर चीज़ हमें नहीं मिल सकती है। तो ये जो कैपेसिटी है ये बच्चों के संग दूर होती चली जाती है, इसलिए उनके अंदर जो टॉलरेंस है वो बहुत कम होता चला जा रहा है जी। दूसरा, चूंकि समय नहीं है, अगर घर में माँ बाप के अलावा यदि दादा दादी नाना नानी या चाचा चाची हैं, तो चूंकि इतने सारे सदस्य होते हैं घर परिवार में, हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग व्यक्तित्व होता है, अलग व्यवहार होता है, तो हम इतने सारे लोगों के संग इंटरेक्ट करना सीखते हैं, उनके संग कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करी जाए ये सीखते हैं, तो हम अपने व्यवहार में मोल्डिंग या उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम सामंजस्य बैठा सकें। यदि घर में सिर्फ दो ही सदस्य हैं या चार सदस्य हैं तो हमारी जो इंट्रैक्शन है वो कम हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोल्डिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हम अपने आप को मॉड्यूलेट करना बंद कर देते हैं। और जब हम मॉड्यूलेट नहीं करते हैं अपने आप को, और आने वाले समय में जब कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे लिए एक हानिकारक घटना की तरह से सामने आना पड़ता है और हम उसे जो है हैंडल नहीं कर पाते हैं और आत्महत्या की तरफ अग्रसर होने लगते हैं जी। तो अगर हम लक्षणों की बात करें डॉक्टर, तो लगातार आप जो कह रहे हैं कि लोग सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं दूसरों से बिछड़ रहे हैं या असामाजिक होते जा रहे हैं, वो सिर्फ दो या तीन लोगों से ही बात करना पसंद करते हैं या कुछ चुनिंदा लोगों से ही बात करते हैं, दोस्त बनाने में लोग पीछे हटते हैं, अब लोगों के इतने दोस्त भी नहीं होते, कहीं ना कहीं कहें तो लोग असामाजिक हुए हैं। अगर हम बात करें एक लक्षणों के, तो आत्महत्या से पहले जो लक्षण है या फैमिली उस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करे, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो पहले से एक्सप्रेस करना चाहता है बच्चा या यूथ उसको नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो वो क्या लक्षण होते हैं जिसको देखकर परिवार वाले सतर्क हो जाए कि हो सकता है आगे चल के इसको कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, बच्चों में या युवावस्था में जो लोग एजुकेशन पढ़ाई में अपने हैं, पढ़ाई को परस्यू कर रहे हैं, उनमें सबसे प्रमुख लक्षण देखने को मिलता है कि उनके जो स्कोर्स हैं जो या ग्रेड्स हैं हर समय के संग वो डिटोरिएट होने चले जाते हैं, बच्चों के जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो डिटोरिएट होने लगता है। उसके अलावा जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है या युवा का भी जो इंटरेस्ट है, जो उसकी हॉबीज़ होती हैं, उसमें उसका अरुचि होने लगती है। जैसे बच्चा पहले अपने दोस्तों के संग स्कूल में खेलना पसंद करता है या अपने घर में टीवी देखना पसंद करता है, तो वो सारी चीज़ें उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे 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 कम होने लगती हैं, वो ह्यूमन इंट्रैक्शंस को अवॉइड करने लगता है, वो लोगों से बातचीत करना बंद कर देता है और ज़्यादातर समय इंटरनेट मोबाइल इन सब चीज़ों पर लगाना समय शुरू कर देता है। उसके अलावा कहीं ना कहीं अरुचि जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है कि जो है अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है, या बातचीत करने में उसके चिड़चिड़ापन या स्वभाव में तेज़ी देखने को मिलती है, वो जल्दी इरिटेट होने लगता है। तो बच्चों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। युवा लोग होते हैं वो एक्सप्रेशन में थोड़े से ज़्यादा बेटर होते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने मन में इस प्रकार की जो भावना आ रही है कि मैं मरना चाहता हूँ या जीवन में कोई रस नहीं बचा है, इस बात को वो अपने घर परिवार वालों को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो अपने घर परिवार को अपनी पत्नी को बताता है कि जो है तुम क्या कहते हैं मेरे बैंक अकाउंट्स ये हैं, मेरे पासवर्ड्स ये हैं, इन सब का तुम ध्यान रखना, और अपने आगे के प्लानिंग के लिए अननेसेसरी जबकि उसका समय नहीं है उन सब चीज़ों को प्लान करना शुरू करते हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलना शुरू कर देते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स करने लगते हैं, उनको ईमेल या लेटर्स या उनसे संपर्क कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं और अपनी जो उन्होंने अपने परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसको एक्सप्रेस करना करते हैं कि मेरे बाद जो है मैंने ये सब प्लान किया हुआ है, तो अपनी जो उनकी जो लास्ट डिज़ायर्स होती हैं वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करते और उनको हल्के में ले लेते हैं। तो ये अगर हम परिवार वाले कहीं भी ये महसूस कर रहे हैं कि उनके परिवार का सदस्य एकांकी हो रहा है, उनके परिवार से धीरे धीरे कटता चला जा रहा है, उसमें इरिटेशन बढ़ रही है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है और इसे बिल्कुल इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, मनोचिकित्सक से मिलकर इसको इवैल्यूएट कराना चाहिए ताकि हम समय रहते आत्महत्या से बच सकें।
जी, तो दर्शकों जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया है, अगर आपको कहीं पर भी ये लक्षण दिखते हैं किसी व्यक्ति में या आपके परिवार के किसी सदस्य में, तो तुरंत उसे चिकित्सक से परामर्श कराएं और समय रहते उसका जो आत्मघाती कदम है उसे होने से आप रोक सकते हैं। दर्शकों यहाँ रुकना होगा हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में, और चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर विशाल सिन्हा। चर्चा कर रहे थे हम ब्रेक पर जाने से पहले सुसाइड को लेकर क्या लक्षण हो सकते हैं युवाओं में, ये जो केस बढ़ रहे हैं उनको लेकर जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनसे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा कि हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे आत्महत्या को लेकर, अब हम अगर मानसिकता की बात करें तो डॉक्टर अभी जो मानसिकता लोगों में बदल रही है, क्राइम के केस लगातार बढ़े हैं, अगर हम बात करें लड़कियों को लेकर तो ये केस और ज़्यादा बढ़े हुए नज़र आते हैं। हाल ही के केसों के बारे में अगर हम बात करें, लोकल लेवल पे हो चाहे वो वाइड रेंज में हो, अगर हम कहें कि जो लड़कियों को लेकर लोगों की मानसिकता है एक जगह पर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इतनी संकीर्ण भी होती जा रही है जिसकी हम अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कुछ समय पहले तक। अगर हम बात करें जैसे कि किसी को एसिड फेंक दिया गया या किसी के साथ गैंगरेप हुआ, इन सब क्राइम केस में अगर एक सोच देखे तो संकीर्ण सोच नजर आती है। इस लगातार बढ़ रही सोच के कारणों पर हम चर्चा करना चाहेंगे, क्यों ये समाज में असामाजिक तत्वों के रूप में लोग हैं और क्यों लड़कियों के प्रति ये क्राइम केस लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए क्रिमिनल केसेस की अगर हम बात करें, जैसे निकट अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई है जिसमें कि काफ़ी चर्चा में है इस समय कि लड़की को जला दिया गया या एसिड फेंकने की जो घटना बहुत होती रहती है, आज न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें कोई पर्सनैलिटी का विकार होता है, पर्सनल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो लोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी के होते हैं या स्किज़ोइड पर्सनैलिटी के होते हैं, तो वो लोग समाज से बिल्कुल अलग रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, उनका समाज में कोई स्थान नहीं होता और उनमें अपने आक्रोश को कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है या टेंडेंसी है वो बहुत कम होती है, जल्दी उग्र हो जाते हैं और अपने स्वभाव पे कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरी बात ये है इन लोगों में टॉलरेंस बहुत कम होती है, ये लोग अपने प्रति कोई किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उनको ये लगता है कि ये उनके लिए उनके अस्तित्व के लिए एक खतरा है। जैसे कि हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस में ये होता है कि जैसे कि आपने कहा कि लड़कियों के प्रति, यानी उन्होंने किसी को पसंद करने लगते हैं और उन्होंने एक प्रस्ताव उसके सामने रखा कि आप शादी कर लें या जो भी है, तो यदि उनको वहाँ से नकारात्मक आंसर वहाँ से मिलता है तो वो उसको अपने ईगो पर लेने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर पर्सनालिटी विकार है, उनकी टॉलरेंस बहुत कम है और वो उनके उनको ये लगता है कि मेरा अस्तित्व, चूंकि मुझे मना कर दिया गया, अब मेरा अस्तित्व जो है ये खतरे में पड़ चुका है और उस अस्तित्व के खतरे को से उभरने के लिए उनके पास दो ही ऑप्शन हैं कि या तो वो खुद का अस्तित्व खत्म कर लें, सुसाइड कर लें, या जो है वो दूसरे व्यक्ति को जिसने उनको मना किया है उसके अस्तित्व को खत्म कर दें। तो जो लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो लोग ज़्यादातर चूंकि उनका आक्रोश बहुत ज़्यादा होता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग दूसरा तरीका जो है दूसरे व्यक्ति को खत्म कर लें जिन्होंने मना किया है उसको इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, उसे किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसमें चाहे वो रेप के तरीके से हो या चाहे तेजाब फेंकना हो या हत्या करना तक शामिल हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिसमें कि बाद में इस पर ग्लानि से भर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मरीज होते हैं वो उस प्रकार की घटना करने के बावजूद उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और उनके मन में कोई ग्लानि नहीं होती है कि मैंने जो कार्य किया है वो गलत किया है, वो सिर्फ उसे जस्टिफाई करते हैं क्योंकि उसने ये गलत स्टेप उठाया, उसने मुझे मना किया, मेरे ईगो को हर्ट किया, इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया। तो ज़रूरी है कि इस प्रकार के हमें समाज से ही, परिवार से ही शुरू करना पड़ेगा। यदि आपको अपने बच्चे के अंदर इस प्रकार के किसी लक्षण को महसूस कर रहे हैं कि वो छोटी चीज़ों के मना करने पर भी उसके अंदर टॉलरेंस नहीं है, वो जल्दी इरिटेट हो जाता है, हर मांग को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक अपने व्यवहार में तब्दीली देखने लगता है, तो हो सकता है कि उसके अंदर पर्सनैलिटी में विकार डेवलप हो रहा हो और उसको एक पर्सनैलिटी असेसमेंट और मॉड्यूलेशन की ज़रूरत हो। तो मनोचिकित्सक से एक अर्ली स्टेज में, जब एक उम्र निकल जाती है 15 से 20-22 साल की उम्र के बाद पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बन जाती है, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव करना संभव नहीं हो पाता है, मैं नहीं कह रहा हो नहीं सकता लेकिन बहुत
मुश्किल होता है। तो इस उम्र में यदि हम कोई भी इस प्रकार का डेवलपमेंट अपने बच्चों में देख रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम उसकी रिस्क्रीनिंग कराएं और उसको एक सही सांचे में ढालने की कोशिश करें ताकि उसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ना हो और आगे इस प्रकार की किसी घटना को अंजाम ना दे। जी, तो आपने बात की कि मनोचिकित्सक से कंसल्ट करना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो ये लगेगा कि उनके बच्चे में कोई कमी है या वो किसी बीमारी से जूझ रहा है। तो लोगों की ये जो सोच है उसको लेकर आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है, अगर किसी में कोई दिक्कत है या किसी भी वजह से, चाहे वो हार्मोनल चेंजेस हों या एज के साथ उसका जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिक स्थिति में जो परिवर्तन है उनकी वजह से हो, तो हम दर्शकों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि ऐसे ज़रूरी नहीं है, अगर किसी बच्चे में कोई दिक्कत है तो वो ठीक नहीं हो सकती है। तो इसको लेकर आप दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? ऐसा नहीं है कि मनोचिकित्सक, देखिए बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं मानसिक रोगों को लेकर, इसीलिए लोग जो है मानसिक रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करने में कतराते हैं। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि हमारे घर में किसी को मानसिक परेशानी, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। हम लोग मानसिक रोगों से बहुत सारी जो गलत धारणाएँ जुड़ी हुई है उसको हम सोचते हैं कि एक बहुत अलग सी चीज़ है, चूंकि हम मन से या दिमाग से कमज़ोर हैं, हमारे अंदर कोई कमी है इसीलिए हमें मानसिक रोग हो सकता है, ऐसा नहीं है। मानसिक रोग अन्य बीमारियों की तरह किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है, उसका उसके पेशे से या उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों को होगी या बहुत पैसे वालों को नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी जीवन के किसी भी स्टेज में मानसिक रोग से ग्रसित हो सकता है। तो सबसे पहली धारणा है कि हम बाकी बीमारियों की तरह मानसिक रोगों को देखें, और दूसरी बात यह है कि स्क्रीनिंग का मतलब ये नहीं कि हम मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं तो वो आपको दवाई देनी ही शुरू कर देगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्तित्व तो बन रहा होता है, तो बहुत सारे, चूंकि हमारे पास जो रोल मॉडल्स होते हैं हम उनसे कुछ सीखते हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे के जो रोल मॉडल्स हों वो अच्छे ना हों, मतलब स्कूल में जो उसके जो फ्रेंड सर्कल उसने चूज़ किया वो शायद उतने अच्छे ना हों, वो उसे गलत सीख या गलत धारणाएँ या गलत मॉरल वैल्यूज़ दे रहे हों, या वो समाज में जिन जिन लोगों के संपर्क में आता है वो ठीक नहीं हो और उनको इम्बाइब करने की कोशिश करता है, उन जैसा बनना चाहता है, तो हम उनको अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करके उसके व्यवहार को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसको एक बेहतर रोल मॉडल प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, और जो जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको कल्टीवेट करने के लिए हम उसे हम उसके अंदर न्यूमरस बहुत सारे सेशंस के अंदर उनके अच्छी क्वालिटीज़ को कल्टीवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मानसिक रोग विशेषज्ञ आपको लेबल ही कर दें, ऐसा नहीं है। ये मानसिक रोग विशेषज्ञ ये एक है कि हमारे मन जो किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, हमारी जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार से डेवलप हो रही है, वो बैलेंस्ड है कि नहीं। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सुसाइड के केसेस के पीछे मानसिक रोग होते हैं जिनको कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और हम सोचते हैं कि अक्सर लोगों में ये सोच होती है कि छोटा बच्चा है, पाँचवीं क्लास में पढ़ रहा है, छठी क्लास में पढ़ रहा है, ये कैसे सुसाइड कर सकता है, या इसको किस बात का स्ट्रेस, हम अच्छा खाना देते हैं, अच्छा पहनने को देते हैं, खूब घुमाते फिराते हैं, बढ़िया पॉकेट मनी देते हैं, फिर इसको किस बात का स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस किसी भी लेवल पर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप शादीशुदा हैं और आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस किसी भी लेवल पर हो सकता है। बच्चे को अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, उसके अपने एग्जिस्टेंस का स्ट्रेस हो सकता है, स्कूल में कोई परेशानी महसूस कर रहा हो, तो हर व्यक्ति का लेवल ऑफ लाइफ के हिसाब से स्ट्रेस बदलता रहता है। तो ऐसा कोई भी लाइफ की स्टेज नहीं है जो स्ट्रेस फ्री हो, जरूरी है कि हम उस स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करें, अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करें और उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कर सकें। जी, तो हम अगर बच्चों की बात करें तो स्कूल्स की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो कहीं ना कहीं उसका जो डेवलपमेंट है वो वहीं से होता है, समाज की जो समझ है वो अपने स्कूल से सीखता है। अगर हम इनकी भूमिकाओं की बात करें तो एक स्कूल की क्या भूमिका हो सकती है बच्चे के ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में? देखिए, स्कूल में अनुमन बच्चे जो है सुबह 8 बजे से जाते हैं और 2 से 3 बजे तक का समय वहाँ व्यतीत करते हैं। पढ़ाई के अलावा जो इनिशियल रोल मॉडल्स होते हैं बच्चे के, वो अपने वो स्कूल से ही पिकअप करता है, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हों, प्रिंसिपल हों, या स्कूल के अपने जो बैचमेट्स हैं उसके, या बड़ी क्लास के जो भैया दीदी हैं जो भी, उन सबको वो अपना रोल मॉडल्स मानता है। अगर एक अच्छा टीचर है आपके सामने तो बच्चा जो है उसकी अच्छी बातों से प्रभावित होकर उन अच्छी बातों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही उसके जो सहपाठी हैं, यानी कि अगर इसीलिए कहते हैं कि संगत जैसी है वैसा ही व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, तो अगर अच्छे सहपाठी हैं उसके साथ जो पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट है, तो वो भी उनके जैसा बनना चाहता है और उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको इन्वाइव करता है। तो यदि आपके जो रोल मॉडल्स हैं वो आपने गलत चुने हुए हैं, बच्चे ने रोल मॉडल बना रखा है जो बच्चा क्लास में काफ़ी उद्दंडी है और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है,
तो वो उसकी तरह बनना चाहेगा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश करता है और अंत में वो उस जैसा बन जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें क्योंकि इतना सारा समय बच्चा जो स्कूल में व्यतीत करता है, तो ज़्यादातर रोल मॉडल्स उसके जब वो समाज में जाता है, जब बच्चा दसवीं या बारहवीं में आने लगता है, तब वो समाज में मूव करना शुरू करता है, तब वहाँ से वो रोल मॉडल पिक करता है, तो समाज के लोग उसे प्रभावित करते हैं। तो हर स्टेज पे जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो हमेशा अच्छे रोल मॉडल्स होने चाहिए। माँ बाप को एक अच्छा रोल मॉडल अपने आप को साबित करना चाहिए। ऐसे ही टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चूँकि उनका टीचर बहुत अच्छा होता है, उससे प्रभावित होता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से कैरी करते हैं अपने आप को, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो अक्सर बच्चे छोटी क्लास में कहते हैं कि मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहता हूँ जी। तो अगर ठीक है, और यदि कोई टीचर आपका अच्छा नहीं है और आपको मारपीट करता है या उसको समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो फिर उस प्रोफेशन के लिए उसके मन में गलत धारणा बैठ जाती है कि इस प्रोफेशन के लोग ठीक नहीं होते हैं, मुझे ये नहीं करना है। जैसे जैसे आप संपर्क में आते हैं, आपने कोई अपना सीनियर देखा जो इंजीनियरिंग में बहुत सफल हो गया, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे भी इंजीनियर बनना चाहिए, तो ये रोल मॉडल डिसाइड करते हैं कि आप अपने अंदर क्या एब्जॉर्व कर रहे हैं और आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो रोल मॉडल मानते हैं किसी को, तो किसी को देखते हैं, और वैसे भी छोटे बच्चों को इतना समझ नहीं होती है, तो वो ज़्यादातर गलत चीज़ों को जल्दी सीखते हैं बजाय अच्छी चीज़ों के। अगर हम बात करें पेरेंट्स की भूमिका की, तो क्या ऐसी जो अलग एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं बच्चे की, जो छोटे बच्चे नहीं समझ रहे हैं, वो ध्यान देने की ज़रूरत है? या बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि बच्चा ज़िद्दी है, उस ज़िद्दी के चक्कर में ही लोग अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अवॉइड करते रहते हैं और आगे चलकर वो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या बन जाता है। तो एक पेरेंट्स के तौर पर अगर हम बात करें, तो क्या गतिविधियों पर ध्यान रखने की जरूरत है बच्चे की? देखिए, जो जिस प्रकार की मॉरलिंग हम चाहते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में उनको अपनाने की जरूरत है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पढ़ाई पर और उसके असेसमेंट पर बहुत ध्यान देता है, लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशंस है या उसका जो हमारे जीवन में उतारना है, उस पर हमारे यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। ये बहुत कड़वा सत्य है, कुछ लोग शायद एग्री ना करें इसे, लेकिन ये सही है। हम बच्चे को शायद दूसरी क्लास से या तीसरी क्लास से मॉरल साइंस सिखाना शुरू कर देते हैं, ट्रैफिक नियमों के बारे में बताते हैं, कैसा व्यवहार करना चाहिए समाज में, स्कूल में कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जब इनके अमल की बात आती है तो उसका कोई असेसमेंट नहीं होता है कि व्यक्ति कितना उसको अमल में ला रहा है। जी, तो वो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ता है और पढ़ के पास करके सिर्फ उनको भूल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका असेसमेंट हो। और उसके जो माँ बाप हैं, मान लीजिए बच्चे को पढ़ाया गया कि ट्रैफिक रेड लाइट पे आप रुकें, ग्रीन पे जाएं, और जब अपने माता पिता के संग जा रहा हो, पिताजी रेड लाइट क्रॉस करके जा रहे हैं, चूँकि पिताजी हमेशा सब कुछ सही करते हैं, तो यानी कि रेड लाइट क्रॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो सीखता है कि ये जो नियम हैं ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं और पास करने के लिए हैं, इनका अमल से कोई लेना देना नहीं है। अमल एक अलग जीवन है और पढ़ना सिर्फ एक अलग जीवन है, तो वो दोनों चीज़ें अलग चलती रहती हैं। पढ़ के हम पास होते रहते हैं, लेकिन हम उनको अंदर अपने अंदर इम्बाइब नहीं करते हैं, और इसीलिए हम शायद नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हमने आत्मसात करने की कोशिश नहीं करी, और ना हमारे माँ बाप ने उनको एम्फोसाइज करा, ना हमारे समाज ने उनको एम्फोसाइज करा कि इसको आत्मसात करिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आज के हमारे एपिसोड में हमने चर्चा की सुसाइड के बारे में, और जो क्रिमिनल केस आ रहे हैं सामने लगातार, उनकी जो मानसिक स्थिति है, इसके बारे में हमने चर्चा की आज के हमारे एपिसोड में। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ डॉक्टर ने आपको दी हैं, उन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या युवा पीढ़ी हो, किसी में भी तनाव हो सकता है और इसकी वजह से कोई भी वो गलत कदम उठा सकता है, तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। और इन सभी जानकारियों के लिए हम डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज की हमारी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि लगातार जो केस आ रहे हैं, इनसे आपको बचने की जरूरत है, समय रहते आपको सतर्क रहने की जरूरत है, और ऐसी एक्टिविटी अगर आपको कहीं पर दिखती है, आपके बच्चे में कोई ऐसी नजर आती है, कोई चीज़ या लक्षण लगते हैं, तो आपको चिकित्सक से परामर्श करने की जरूरत है। तो फिलहाल हमारे इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। We'll be right back.